प्रणाम, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन माध्यम शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज के माध्यम से आप सीधे शांतिकुंज हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। आत्मीय परिजनों, आप सभी ऑनलाइन माध्यम से निरंतर अनेक रचनात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं एवं आपने सदैव नए परिजनों को भी इससे जोड़ा है, इस हेतु आपका हृदय से आभार। जैसा कि विदित है, यह वर्ष 2021 युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार की स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष है। यह वर्ष अपने आप में हमारे मनों में गुरुधाम के प्रति निरंतर बढ़ रही श्रद्धा संग संक्रियता के नए संकल्पों को उभार रहा है। आत्मियों परिजनों, आइए लोक रंजन से लोक मंगल एवं लोक शिक्षण की इस यात्रा का ऑनलाइन माध्यम से नए स्वरूप में शुभ आरंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव की जिनकी पावन शरण में आकर हम सब निहाल हो गए, तब किया अनुपम स्वयं वरदान जग को दे दिए, अध्यात्म के शुभ सूत्र सब विज्ञान सम्मत कर दिए, जो न हो भूमर युगो तक कर दिया ऐसा सृजन, युग साधकों के देव संस्कृति का तुम्हें शत-शत नमन, प्रस्तुत है गुरु वंदना। सच्चाई आँखें देखी कानों सुनी सुनाई, वह सच्चाई आँखें देखी कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, वह सच्चाई देखी कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर जैसी रीति सिद्धियां देती नहीं दिखाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, अभिमानी थे, आत्म तत्व वेता भी थे, वे विज्ञानी थे, नापी नहीं जा सकी अब तक, नापी नहीं जा सकी अब तक तो उनकी गहराई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर सकते थे वे पीड़ा, असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा, विषम वेदना जग की
गुरुदेव हमारे। शिव शंकर वरदाय गुरुदेव हमारे, शिव शंकर वरदाय। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे। स्वर्ग लोक की गंगा भू पर, स्वर्ग लोक की गंगा भू पर लाए और बहाई गुरुदेव हमारे। शिव शंकर थे, दिव्य ज्योति थे निराकार थे। महाकाल भी कालकूट बना, महाकाल भी कालकूट बन सबको सुधा पिलाई गुरुदेव हमारे। शिव शंकर वर्तमान सबके ज्ञाता थे। पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंता बनकर उनने, जगत नियंता बनकर सारे जग को राह दिखाई गुरुदेव हमारे। शंकर वरदाय गुरुदेव हमारे, शिव शंकर वरदाय। वह सच्चाई आँखें देखी कानों सुनी सुनाई, वह सच्चाई आँखें देखी कानों सुनी सुनाई गुरुदेव हमारे। शिव शंकर जीवन धन्य बनी।
वरदाने जो मिल जाए माता तेरी चरण चरणों में।
आज फिर यही साड़ी पहनी तूने? क्या और साड़ियां नहीं है घर में? क्यों जी, क्या कमी है इस साड़ी में? इसमें तुम सन्यासिनी लगती हो। अगर ऐसा ही बनना था तो क्या जरूरत थी शादी करने की? शादी विवाह तो सामाजिक बंधन है। गृहस्थ जीवन में अटूट रिश्ता होता है पति पत्नी के बीच। जीवन की सार्थकता के लिए मन को शांति भी तो चाहिए। शांति शांति शांति, तुम समझती हो इसे पहनकर शांति मिलेगी? मूर्ख है तू जो इन वस्त्रों में शांति ढूंढती है। शांति आराम तो इस वैभव में है जिसे इन हाथों से कमाया है मैंने, समझी? ये आपका भ्रम है। दुर्व्यसनों ने आपके मन को दूषित कर दिया है। जिस पाप की कमाई को आप वैभव समझते हैं, ऐशो आराम समझते हैं, यह सब क्षणिक मात्र है। आज तक मैं भी यही समझती रही, लेकिन गायत्री माँ की शरण में जाने के बाद मुझे यह अनुभव हुआ कि जीवन का सच्चा सुख तो सत्कर्म, परोपकार और सुविचारों से ही प्राप्त हो सकता है। मेरी मानिए, आप भी एक बार गायत्री माँ की शरण में चलकर देखिए, मन को कितनी शांति मिलेगी। अपना उपदेश अपने पास रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा उपदेश सुनने की। तुम मेरी पत्नी हो, जो मैं चाहूंगा वही करोगी तुम। आज के बाद किसी हवन यज्ञ में नहीं जाओगी। मगर आप यह क्यों भूलते हैं कि जितना अधिकार आपका मुझ पर है, उतना ही अधिकार मेरा भी तो है आप पर। पति यदि भ्रमित हो जाए तो उसे सुमार्ग पर लाना भी तो पत्नी का धर्म होता है। मेरी मानिए, आप चलकर देखिए तो सही। तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं मैं जो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर ये सुख भी गंवा बैठूं। नहीं जाना मुझे किसी गायत्री वायत्री की शरण में। नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन शांति, समृद्धि और सन्मार्ग का प्रकाश दिखाने वाली गायत्री माँ का इस तरह अपमान तो मत कीजिए। क्या कर लेगी तेरी गायत्री माँ? ये वैभव छीन लेगी
बर्बाद कर देगी मुझे। आपके मन पर अज्ञानता का काला पर्दा पड़ा हुआ है, जिस दिन यह हट जाएगा आप खुद समझ जाएंगे। बस बस भाषण मत दो, जो जी में आए करो। सरिता बहन तैयार हो गई? सरिता बहन। हाँ शीला बहन, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सामुदायिक भवन में गायत्री हवन चल रहा है भाई साहब, आप भी चलिए। लगता है आज भाई साहब से फिर झगड़ा हुआ है। तुम तो जानती हो शीला बहन, कौन समझाए इन्हें, इनका बस चले तो मुझे भी न जाने दें। ऐसे आदमी को जब ठोकर लगेगी तब समझ में आ जाएगा। आओ चलें, हवन शुरू हो गया होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं नमः। अगर वे भी यहाँ आकर आहुतियाँ डालते तो कितनी शांति मिलती मन को। ये आपका भ्रम है, दुर्व्यसनों ने आपके मन को दूषित कर दिया है। जिस पाप की कमाई को आप वैभव समझते हैं, ऐशो आराम समझते हैं, यह सब क्षणिक मात्र है। क्षणिक मात्र नहीं, ये सब बकवास है। मूर्ख है वो जो इतना भी नहीं समझती कि जिंदगी की शान इस वैभव में है, सत्कर्म में नहीं। ये ठाट बाट मंगला तार क्या गायत्री ने दिया है? नहीं, इन हाथों से कमाया है मैंने, इन हाथों से। समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाली शक्ति का तू अपमान कर रहा है मूर्ख। अज्ञानता के अंधेरे में तू भटक गया है। जिसे तू सुख समझता है जीवन के लिए, वह अभिशाप है। भाग्य से यह मानव चोला मिला है मूर्ख, इसे व्यर्थ मत गवा, अन्यथा अंतिम समय में पछताएगा। तेरा यह ठाट बाट वैभव सभी ही रह जाए। अब भी वक्त है, माँ गायत्री की शरण में चले जाओ, माँ तेरा कल्याण करेगी। कौन हो तुम जो मेरा वैभव लूटना चाहते हो? कौन हो? ये वैभव नहीं, तेरे पापों का पिटारा है मूर्ख, जिस पर तू अभिमान कर रहा है। यही एक दिन तेरे विनाश का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा ही होगा मूर्ख, ऐसा ही होगा। रहे हम शिशु सुत तेरे दया दी।
कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ। पहचानो मुझे, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। विश्व के समस्त मानव प्राणियों के कल्याण हेतु अज्ञानियों को सन्मार्ग का प्रकाश दर्शाने वाला मैं हूँ गायत्री माँ का उपासक। चारों दिशाओं में व्याप्त हूँ मैं। पहचानो मुझे, पहचानो, पहचानो, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। इस नश्वर शरीर पर अभिमान मत कर, एक दिन यह पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जब जहां से कुछ भी न पास होगा, दो गज का फन का टुकड़ा नहीं नहीं, यह सब मेरा है, मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ जाएगा। मूर्ख अज्ञानी, देखा नहीं तूने? वो खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। क्या गया उसके साथ? दो गज कफन का टुकड़ा? नहीं, वो भी नहीं, वो टुकड़ा भी उसके नश्वर शरीर के साथ यही पंच तत्वों में विलीन हो गया। सोच, क्या जाएगा तेरे साथ? कुछ नहीं जाएगा मूर्ख, कुछ नहीं, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। मूर्ख मत बन कैलाश, अंत समय में कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। अभी समय है, सन्मार्ग अपना ले, माँ गायत्री की शरण में चला जा। इस मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अभिमानी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो, गायत्री माँ मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। गायत्री माँ, गायत्री माँ, गायत्री माँ, गायत्री माँ, गायत्री माँ, गायत्री माँ, मुझे क्षमा कर दो गायत्री माँ। मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। मैंने आपका अपमान किया है माँ, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। उठिए, तुमने ठीक ही कहा था सरिता, मैं दुराचारी हूं। क्षणिक वैभव को सुख समझकर मैंने गायत्री माता का अपमान किया। मैं पापी हूं सरिता, मैं पापी हूं। दुष्कर्मों ने आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, अब आप गायत्री माँ की शरण में आ गए हैं, माँ आपको कल्याणकारी मार्ग दिखाएगी। तुम ठीक कहती हो सरिता, तुम्हारे आने के बाद मुझे चारों ओर ऐसा ही चित्र दिखाई दिया था, शायद इन्हीं की आवाज थी वो। यही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली हरिद्वार में युग तीर्थ शांति कुंज की स्थापना की है। इनकी शरण में जो भी जाता है, माँ गायत्री उसके समस्त कष्ट दूर कर देती है। आप तो परम ज्ञानी हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं वत्, हम तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुयायी हैं।
युग तीर्थ में जाकर अखंड ज्योति के दर्शन करो। दीक्षा ग्रहण करके माँ गायत्री की उपासना, साधना और आराधना करो। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। गायत्री माँ तुम्हारा कल्याण करेगी। आइए शांतिकुंज चलने की तैयारी करें। मोह माया के जाल से निकल जा कैलाश, त्याग दे ऐसी मोह माया जो मन को दूषित बना देती है। अच्छे संस्कार और विचार ही सच्ची दौलत है, इनसे मोह कर, इसी से तेरा जीवन सार्थक बनेगा। त्याग दे यह झूठी मोह माया, निकल जा इसके जाल से, निकल जा। नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब माया, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं सरिता, बस मेरी आत्मा मुझे कचोट रही है। ये सब माया जाल है, ये झूठी मोह माया है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। इसको तुम रख दो। अब आप सो जाइए, कल सुबह शांति बन जाने की तैयारी करनी है। अच्छा। मैं तैयार हूँ। मैंने भी तैयारी कर ली है। बाबूजी, मैंने नाश्ता लगा दिया है। ठीक है, ये सामान तुम गाड़ी में रख दो, हम अभी थोड़ी देर में पहुंचते हैं। अच्छा बाबूजी। बाबूजी, अगर कोई फोन आए तो कहना कि हम शांति कुंज हरिद्वार गए। अच्छा बाबूजी।
ॐ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्र दीक्षा नए जीवन की शुरुआत है। एक जन्म माता पिता के द्वारा प्राप्त हुआ, दूसरा जन्म आज गायत्री माता और आचार्य पिता के द्वारा प्राप्त हो रहा है। यह दूसरा जीवन आध्यात्मिक जीवन कहलाता है। जब तक आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रवेश नहीं होता, तब तक हमें अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए समर्थ गुरु से दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक होता है। दीक्षा ना हो तो उसे गुरुमुख नहीं माना जाता, इसीलिए गुरु दीक्षा लेना जीवन में आवश्यक है। जीवन में जब तक गुरु का समावेश नहीं होता, गुरु का आश्रय नहीं प्राप्त होता, तब तक जीवन सर्वोच्च शिखर तक नहीं पहुंच पाता, जीवन में पूर्णता का समावेश नहीं हो पाता। हमें अपना जीवन पूर्ण बनाना है तो समर्थ गुरु की शरण में जाकर उनसे दीक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक और धन्य बनाने का प्रयास कर लेना चाहिए। भाव करें, हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा। दोनों हाथ जोड़ें, गुरु सत्ता का ध्यान करें। ॐ अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विशिष्ट मुद्रा बना लें, दोनों अंगूठे पर दृष्टि रख लें, भावना करें गुरु का प्राण तप और पुण्य हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। मैं आज गुरु दीक्षा के पावन अवसर पर यह संकल्प लेता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के आदर्शों, सिद्धांतों और अनुशासनों को अपने जीवन में उतारूँगा और अपने समय, साधन, ज्ञान, पुरुषार्थ, प्रतिभा एवं प्रभाव का सदुपयोग लोक कल्याण के लिए नियमित रूप से करता रहूँगा। यह पीत वस्त्र परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद स्वरूप है। आज से इसे आपको धारण करना है। ये पीत वस्त्र त्याग और तपस्या के जीवन का प्रतीक है।
हमारा जीवन आज से त्याग, तपस्या और अनुशासन का होना चाहिए। लोक कल्याण के दिशा में हमें आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। इन वस्त्रों को ग्रहण कीजिए और आज से इनको आपको धारण करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना है। के युग तीरथ में आके गुरुवर को शीश झुका के माँ को निज व्यथा सुना के श्रद्धा के सुमन चढ़ा ले रे मन जीवन धन बना ले रे मन जीवन धन बना ले। सजल श्रद्धा दो माता तेरे पूत कहाए गुरुवर हमें प्रखर प्रज्ञा दो सदकर्तव्य निभाए जीवन भर निस्वार्थ रहे हम भय कर परमार्थ करें हम प्रज्ञा ज्योति जगा ले रे मन जीवन धन बना ले रे मन जीवन धन बना ले रे मन जीवन धन जगाए ऐसी कला सिखा दो सबको दे अपना हृदय में इतना प्यार जगा दो इस जीवन को सफल बना ले ऋषियों जैसा पथ अपना ले शुभ संकल्प जगा ले रे मन जीवन धन बना ले रे मन जीवन धन Thank you.
मति करे हम धारण स्वयं देव बन जाए। समय और प्रतिभा धन साधन प्रभु को भेंट चढ़ाए। यह जीवन प्रभु में घुल जाए अपना शेष न कुछ रह पाए। निर्मल भक्ति जगा ले रे मन जीवन धन्य बन। अरे शीला बहन तुम? हाँ बहन, मुझे मालूम था भाई साहब को लेकर तुम यहाँ अवश्य आओगी। मैं भी अपने परिवार के साथ आई हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हमेशा सरिता का विरोध किया, यह मेरी भूल थी बहन। इन वस्त्रों से मैंने घृणा की, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है यह वसंती रंग मन को कितनी शांति देता है। सच पूछो तो शीला बहन, मुझे ऐसा लगता है मानो जीवन का सुख अमृत मिल गया हो। सच भाई साहब? हाँ शीला बहन, आज मैं जान गया हूँ कि जीवन का सच्चा सुख तो गायत्री माँ की उपासना, साधना और आराधना से ही प्राप्त होता है। अच्छा, मैं चलती हूँ सरिता बहन। समाधि के दर्शन करने के बाद भोजनालय में आके भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेना। मैं अपने परिवार के साथ वहाँ प्रतीक्षा करूँगी। आइए चलिए। मन जीवन धन्य बनाले, रे मन जीवन धन्य बनाले। युग तीरथ में आके गुरुवर को शीश झुकाके, युग तीरथ में आके गुरुवर को शीश झुकाके, माँ को निज व्यथा सुनाके, श्रद्धा के सुमन चढ़ा ले रे मन जीवन धन्य बनाले। गुरुदेव, मैं आपकी पवित्र समाधि को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि सभी दुर्व्यसनों का त्याग करके मैं निष्ठापूर्वक स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखूँगा। अपनी कमाई से प्रतिदिन लोकहित के लिए अंशदान और समयदान निकालकर आपके चरणों में समर्पित करता रहूँगा। आप सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुदेव। वत्स, श्रद्धा भाव से माँ गायत्री की साधना उपासना आराधना करो, माँ सदैव तुम्हारा कल्याण करे। रे मन जीवन धन्य बनाले, रे मन जीवन धन्य बनाले, रे मन जीवन धन्य बनाले। Okay।
यशस्वी क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। आत्मीय परिजनों, उत्साह उमंग से भरकर हम सभी शांति कुंज आश्रम की स्वर्ण जयंती वर्ष पर ऑनलाइन माध्यम से निरंतर हो रहे नूतन आयोजन के क्रम में आज ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला से जुड़े। हर माह की 8, 18 एवं 28 तारीख को यूं ही ऑनलाइन माध्यम शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज के माध्यम से सीधे शांति कुंज हरिद्वार से आप ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम से जुड़ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इन स्ट्रीमिंग को विविध माध्यमों से ज़्यादा परिजनों तक अवश्य साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल नंबर 9258352222 को आप अपने मोबाइल में शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवश्य सेव कर लें। मिलते हैं इसी श्रृंखला के अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक आओ जुड़े रहें और देखते रहें शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल। प्रणाम।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।